खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राज्य सरकार की सुरक्षा सखी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की रोकथाम को लेकर बने कानूनों के प्रति जागरूक लाकर राजीविका की महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। साथ ही सुरक्षा सखी एवं आमजन के सहयोग से सुरक्षित समाज बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। सुरक्षा सखी ट्रेनिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उड़ान योजना, महावारी स्वच्छता प्रबंधन, शक्ति दिवस, वन स्टॉप सेंटर इत्यादि के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूक किया। जिला कलेक्टर ने आमजन एवं पुलिस के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हेतु सुरक्षा सखियों का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर संध्या बिश्नोई ने महिला के विरुद्ध हो रहे अपराधों को लेकर संबंधित कानूनी जानकारी देते हुए सुरक्षित समाज में महिला के सक्रिय योगदान के बारे में बताया। राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक साजिया तपसुम ने सुरक्षा सखी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में हनुमानगढ़ ब्लॉक की लगभग 120 सुरक्षा सखियों ने हिस्सा लिया है।